हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। और यहाँ पर दोस्तों, पर्यावरण प्रश्नोत्तरी के इस पीडीएफ से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करवा दिए थे पिछले वीडियो में। ये उसका पार्ट टू होगा, पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इन्हें तैयार कर लें ताकि 30 में से आपकी जो तैयारी रहे वो 25 प्लस की रहे। क्योंकि अगर आप पर्यावरण जैसे सब्जेक्ट में, बाल मनोविज्ञान में अगर 20 प्लस भी आ जाते हैं, तो ये गुड स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही अच्छा। मतलब आप स्कोर कर सकते हैं अगर 20 प्लस के पार हैं आप। इससे नीचे रहते हैं तो फिर क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लीजिए। 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे इस पीडीएफ से। और इसके बाद देखिए, जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला, तो इसके आगे से चलिए शुरू करेंगे। आप सभी पूरा वीडियो देखिए, वायुमंडल के बारे में विशेष बात करेंगे। उससे पहले अन अकेडमी की एक छोटी सी अपडेट। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप, वहाँ पर मैं सौरभ पांडे नाम से एजुकेटर हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज की अपडेट वहाँ पर पा सकते हो। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को। सारे लेसन्स देख सकते हो, यूपी टेट, सी टेट के, और मेरी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वायुमंडल किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह की गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो दोस्तों, 78.07% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में कितना ऑर्गन है? तो 0.93% ऑर्गन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? सातवां प्रश्न। तो दोस्तों, ये 64 किलोमीटर तक फैली है। किस गैस को जीवनदायिनी गैस माना जाता है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस माना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.99, यानी लगभग आप कह सकते हैं 21%। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो दोस्तों, हमें लकड़ी या ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, इसके बिना आप आग नहीं लगा सकते। वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है? तो 0.0018। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.0005। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? 0.5×101। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन। देखिए, 0.00001% पाई जाती है, ठीक है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो ओजोन गैस है जो सूर्य के किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी के सतह से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन गैस पाई जाती है। किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। इसका जो कारक है वो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह है, जो प्रदूषण हम लोग मचाते हैं उसी की वजह से ओजोन का क्षरण होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल, ये सबसे निचली परत है। इसके ऊपर समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन लेयर रहती है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, बाह्य मंडल। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? तो 16 किलोमीटर, और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर। ये फैक्ट जरा दोनों क्वेश्चन का याद रखिए, विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है? तो प्रत्येक 165 मीटर। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में, मैंने आपको बता दिया। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? संवहन मंडल नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर तक।
वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? समताप मंडल। समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? 18 से 32 किलोमीटर। समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो दोस्तों 20 किलोमीटर। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो समताप मंडल की। मर्डर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी मुलाभ मेघ किसे कहते हैं? तो समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें आप मुलाभ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में कौन सी परत है? ओजोन मंडल। ये 32 से 60 किलोमीटर बीच है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन मंडल। ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। वैसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व जो है वो ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन वायुमंडल का सुरक्षा कवच क्या है? तो ओजोन मंडल माना जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? आयन मंडल की। रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं? आयन मंडल में। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और राडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? सही जवाब होगा आयन मंडल। वायुमंडल में 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में 100% 2-3 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा, गारंटी ले लीजिए। ये वीडियो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सूर्य ताप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में सूर्य तक पहुंचती है, सूर्य से पृथ्वी तक। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? तो दोस्तों 1.94 कैलोरी ऊष्मा। एल्बिडो किसे कहते हैं? किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा और उस सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। याद रखिए, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा और सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का जो अनुपात होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं, 1 मीटर ऊपर। दैनिक रूपांतर क्या है? किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर क्या है? जैसे दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। किसी स्थान के सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने के मध्यमान तापमान को वार्षिक तापांतर कहते हैं। अब एग्जाम मास्टर चैनल पर आपको ऐसे ही सिलेक्टेड प्रश्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, विद ऑल राइट रिजर्व। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अपना नाम डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके, फॉर द कंप्लीट नोट्स ऑफ यूपी टेट, सी टेट और रिटर्न एग्ज़ाम 2019। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। सारे नोट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे, कुछ नोट्स जो समझने वाले टॉपिक के हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पर होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी दबा लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल से महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस PDF से 2 क्वेश्चन फंसने वाला है तो इसे एक बार फिर से ज़रूर तैयार कर लें। थैंक यू।